इस समय जहां पूरा देश राममय है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखा प्रयोग किया गया है। दरअसल वो लोग जो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा की तरफ से एक प्रोटोटाइप मॉडल जो है भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का, बिल्कुल अयोध्या की तरह ही हूबहू दिखने वाला एक प्रोटोटाइप मॉडल मंदिर का, उसे बनाया गया है उनके सरकारी निवास के ठीक बाहर। और वहां पे अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में लोग सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि जो यहां से जो भी आदमी गुजर रहा है वो एक बार यहां सेल्फी लेने जरूर गुजर रहा है। हर किसी की इच्छा है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वहां जाकर के दर्शन जरूर करें, क्योंकि 22 जनवरी को जहां हर किसी का पहुंच पाना संभव नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक प्रोटोटाइप मॉडल तैयार किया गया है। और आप तस्वीरों में देखिए कितने लोग यहां पे पहुंच रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सोच रही रामेश्वर जी इस मंदिर के मॉडल के पीछे? देखिए, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या की धरती पर बन रहा है और उसका निर्माण बहुत तेजी से जारी है। 22 तारीख को रामलला जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित होंगे, अपने नए महल में जाएंगे, पूरा दुनिया अयोध्या की तरफ निहारेगी, देखेगी, प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में सम्मिलित होगी। राम सबके मन में आए और राम मंदिर का जो दिव्य स्वरूप है, हम एकदम तो अयोध्या की धरती पर नहीं जा सकते और अयोध्या जाने के लिए सबके अपने अपने क्रम बने हुए, और इसलिए हमने सोचा कि अयोध्या का एक कीर्ति स्वरूप मॉडल बनाकर हमारे भोपाल के अंदर रखा जाए, जिससे भोपाल के नागरिक अपने परिवार से आए और अपनी अपनी सेल्फी लें और याद करें, और बिफोर टाइम अयोध्या का निमंत्रण स्वीकार करते हुए अपने नाते रिश्तेदार दोस्त यार सबको निमंत्रण डालें और कहें कि ये भव्य और दिव्य स्वरूप अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठित होगा, वही रामलला जो दुनिया के महानायक हैं, दुनिया के ईश्वर हैं, हम सबकी प्रेरणा है और भारत का स्वाभिमान है। एक आखिरी सवाल, आप भी कार सेवा के दौरान आप अयोध्या में थे उस समय 1992 में? बिल्कुल थे। बाद में आज आप विधायक भी बन चुके हैं। अब आपका भी एक निजी तौर पर अगर देखा जाए तो एक भावनात्मक संबंध जो है अयोध्या से जुड़ा हुआ है। ये अयोध्या से जो संबंध है वो तो जीवन और मरण का संबंध है। जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए मैं एक बार नहीं चार बार कार सेवा में गया था, और जब 6 दिसंबर 1992 को ढांचा तोड़ा था, उस ढांचे को तोड़ने से लेकर राम चबूतरे के निर्माण और राम चबूतरे के निर्माण के बाद भोपाल वापसी, ये सारा संघर्ष हमने अपने आंखों से देखा है। हमने सरकारों की बदतमीजियां भी सही है और सरकारों का जो जल्लाद था, जल्लादपन, वो कार सेवकों पर गोली चलाना, वो भी आंखों के दृश्यों के सामने बार बार आता है। लेकिन ये भारत का और हम सब का, हिंदुओं का परम सौभाग्य है कि समय पर एक ऐसा देशभक्त, एक ऐसा नागरिक, एक ऐसा राष्ट्रभक्त, एक ऐसा व्यक्ति इस भारत की भूमि पर जन्म लिया जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने हिंदू स्वाभिमान को भी जिंदा रखा और हिंदुस्तान में राम की संस्कृति का, विजय पता का परचम दुनिया में फहराने का काम किया। हम कार सेवक तो सपना लेकर भूलने लगे थे शायद मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, पर धन्य है नरेंद्र मोदी जी, आपने हमारा सपना साकार कर दिया। अब भव्य और दिव्य राम मंदिर का दर्शन आज पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व करेगा और सनातन की विजय पताका का गौरवगान ये मंदिर की शिखर से बार बार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे विधायक रामेश्वर शर्मा का। आप देखिए जो मॉडल बना है, तमाम वो लोग जो यहाँ पे सेल्फी के लिए पहुंच रहे उनसे भी हम बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये बताइए, आप लोग यहाँ से सेल्फी लेने में देखा, आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, कैसा आप लोग लग रहा है? उधर तो नहीं जा पा रहे, लेकिन फिर यहाँ पे जो मॉडल यहाँ पर जो बनाया गया है हमारे विधायक जी के द्वारा, ऐसा महसूस हो रहा है कि हम वहीं अयोध्या धाम में ही पहुंच गए हैं, उस चीज की अनुभूति हो रही है। और हमारे लग रहा है कि हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कम से कम यहाँ पर दर्शन हो पा रहे हैं। ले आप लोगों ने फोटो ली? हाँ बिल्कुल लिए, और इतना अच्छा लग रहा है कि राम, ऐसा लग रहा है हमारे तन मन धन सब में राम ही राम है बस। तो आप देख सकते हैं ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पहुंचे हैं और हर किसी के मन में इस बात की खुशी है कि अयोध्या नहीं जा पाए तो क्या हुआ, भोपाल में ही ये इस तरीके का एक प्रोटोटाइप मॉडल उपलब्ध है जहाँ पे वो आकर के प्रभु श्री राम को तो याद कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ ही वो यादें भी लेकर के यहाँ से जा रहे हैं, ताकि जब कभी वो अयोध्या जाए तो उससे पहले ही सही, लेकिन 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम गर्भगृह में था, उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा, ये तमाम लोग अपने साथ इसी याद को लेकर के उस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को देखेंगे। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।